अम्फन तूफान की तबाही के महीने भर बाद भी पश्चिम बंगाल के कई प्रभावित गांवों तक सरकारी मदद नहीं पहुंची। लंबे समय से अंधेरे में रहने को मजबूर गाँव वालों ने प्रशासन से कम बिजली की लाइन ठीक कराने की मांग की, लेकिन जब प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली तो गाँव वालों ने मरम्मत का बीड़ा खुद ही उठा लिया। और इसकी झलक दक्षिण 24 परगना के गोलाबाड़ी गांव में दिखी, जहां सड़कों के किनारे बिजली के खंभे गिरे नजर आए और जगह जगह बिजली के तार जमीन पर दिखे। गांव वालों का आरोप है कि बिना बिजली के हो रही परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उनका आरोप है कि हर बार उन्हें प्रशासन से टका सा जवाब मिला। इस तरह के जवाब से आजिज आकर गांव वालों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। कुछ लोग जमीन पर गिरे खम्भों को गाड़ते दिखे तो कुछ जान जोखिम में डालकर नंगे तारों को जोड़ते नजर आए। गांव वालों ने भी माना कि जिनको काम आता है वो आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। खतरों से खेलते गांव वालों की ऐसी तस्वीरें सामने आने पर बीजेपी ने ममता सरकार पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। ये जो पिक्चर है देखने के बाद आप ये लोग हैरान हो रहे हैं, हम लोग ये क्या तमाशा बना के रखा है ये तीन से कम में। चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहे सियासी दलों का तीसरे दिन भी देश भर में प्रदर्शन जारी रहा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चीन के खिलाफ सियासी दलों का गुस्सा फूटा। बिहार के गया में तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान किया। और नाराजगी जताने के लिए शहर के एक इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीन के सामान को एक जगह जमा किया और फिर उसमें आग लगा दी, जिसके बाद उससे निकलने वाला काला धुआं वहां फैलता दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से हटे नहीं, बल्कि जलते सामान को घेर कर चीन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हाथों में पर्चे लिए नजर आए, जिन पर चीन के खिलाफ नारे लिखे थे, जबकि कुछ लोग पार्टी का झंडा पकड़े दिखाई दिए। यही नहीं, गलवान घाटी की घटना से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान इस्तेमाल नहीं करने की भी शपथ ली। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि कोई भी चाइना सामान अपने घर में यूज नहीं करेंगे। लेकिन चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने के चक्कर में बीजेपी के कार्यकर्ता कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। कुछ लोग मुंह पर मास्क लगाए तो दिखे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता ने लोगों से चीनी सामान इस्तेमाल नहीं करने की अपील की और अपने सभी मित्रों भाइयों से आग्रह किया है कि आज के बाद चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करना है। महाराष्ट्र के सोलापुर की बात करते हैं, वहां भी सियासी दलों ने चीन के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। चीन की धोखेबाजी से नाराज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तो चीनी सामान को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इससे पहले शिवसेना के कार्यकर्ता सड़क पर चीनी सामान तोड़कर अपना गुस्सा निकालते दिखाई दिए। कोई चीन की कंपनी की टीवी को सड़क पर पटकता दिखा तो कुछ लोग लात से चीनी सामान को तोड़ते नजर आए। एक तस्वीर में प्रदर्शन में शामिल दो लोग चीन के झंडे को पकड़े दिखे, जिसे एक महिला चप्पल से मारती दिखाई दी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग तिरंगा और पार्टी का झंडा लहराते नजर आए। तोड़फोड़ करने के बाद एक आदमी ने चीनी सामान पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और फिर उसी आग में चीन के झंडे को जला दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान को तोड़कर अपना विरोध जताया। बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उसमें आग लगा दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। चीन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए दिखे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार से चीन को सबक सिखाने की मांग की। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, सरकार के फैसलों के साथ है। देश चाहता है चाइना को सबक सिखाया जाए। लद्दाख की गलवान घाटी में सेना ने उस पुल को बनाने का काम पूरा कर लिया जिसे चीन रोकना चाहता था। खबर है कि 15 तारीख को हुई झड़प के बाद सेना के जवानों ने ठान लिया था कि इस पुल का काम किसी भी कीमत पर पूरा करना है, और फिर दिन रात मेहनत करके गलवान घाटी में नदी पर इस पुल को बनाया गया। मेजर जनरल जल स्तर की बातचीत में भी चीन ने इस पुल के मुद्दे को उठाकर अड़ंगा डालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने उन्हें इस मुद्दे पर चुप करवा दिया था। और हिंसक झड़प के बाद पुल का काम तेज करते हुए केवल 2 दिन के अंदर उसे बनाकर तैयार कर दिया।
पहले ये पुल जो था ये फुट ब्रिज था और सैनिकों को पीपी पॉइंट 14 तक पैदल चल के जाना पड़ता था। ये पुल सेना के लिए बहुत अहमियत रखता था। यही वजह है कि भारतीय सेना के जवानों ने चीन की एक ना सुनी।